गुड इवनिंग एवरीवन, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। हम एक पेपर डिस्कस कर रहे थे और कल के लेक्चर तक आपके 60 क्वेश्चन तक हमने पेपर को डिस्कस कर लिया था। उसका जो अगला पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो जल्दी जल्दी लाइव सबको ज्वाइंट हो जाना है, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दो मिनट में क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने 60 क्वेश्चंस देख लिए थे, अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61। नहीं, 61 वेगड़ा है। स्टिल दिस इज डिफरेंट। नहीं यार, हे पेपर वेगड़ा है। एक मिनट थांब, अजूना पेपर है। सॉरी सॉरी, हा पेपर डिस्कस झालेला आहे। Yes, चलो तो देखो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 60 तक हमने कल सॉल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन जो है नंबर 61, इन ह्यूमंस द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज। आपकी जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर अनपेयर्ड है, ये आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है। अनपेयर्ड मतलब वो सिंगल ही प्रेजेंट है। तो देखो पहले ऑप्शन में दिया है आपको सेमिनल वेसिकल्स। रफली अगर आप डायग्राम को देखते हो, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, ओके, और यहां पे द स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज पेनिस, देन आफ्टर ये रफली इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, देन दिस इज द स्क्रॉटल सैक, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, ओके, एंड देन वास डिफरेंस। यहां पे ऊपर के साइड में आपको मिल जाएंगे यूरेटर्स। मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ यूरेटर्स ऊपर से लूप होके नीचे आके यहां पे ज्वाइन करते हैं सेमिनल वेसिकल को। तो ये सेमिनल वेसिकल है, इस साइड से भी सेम चीज होने वाली है। ओके, यहां से ये है आपका सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स आर एक्चुअली पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। पेयर्ड मतलब दो होते हैं। आपको अनपेयर्ड स्ट्रक्चर ढूंढना है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। देन यहां पर यह ओपन हो जाएगा आपके यूरेथ्रा के अंदर, इजैक्युलेटरी डक्ट जिसको बोलते हैं हम, और यहां पे आपको मिल जाती है कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल है, एक ही होती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सी ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, इपिडिडाइमिस। देखो यहां पर भी इपिडिडाइमिस है, यहां पर भी है, तो यह भी पेयर्ड है। और लास्ट ऑप्शन में दिया है टेस्टिस, सो दिस इज वन टेस्टिस, दिस इज सेकंड टेस्टिस, टेस्टिस आर ऑल्सो टू, सो दीज आर ऑल्सो द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। आपको पूछा है अनपेयर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 61। चलो 62 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अडेप्टेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग ऑन द ट्रीज इज। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था। ओके, जो पहला वाला है फॉसोरियल, दिस इज द अडेप्टेशन फॉर लिविंग इन बरोज, बरोज में रहने के लिए। टिपिकल एग्जाम्पल क्या है, रैट्स है। दूसरे ऑप्शन में दिया है कर्सोरियल, दिस अडेप्टेशन इज फॉर फास्ट रनिंग। टिपिकल एग्जाम्पल हमने लिया था कॉकरोच का। ओके, देन अर्बोरियल, दिस इज द अडेप्टेशन फॉर लिविंग एंड बैलेंसिंग ऑन द ट्रीज। ट्रीज के ऊपर बैलेंस करने के लिए, ट्रीज के ऊपर रहने के लिए जो अडेप्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं अर्बोरियल अडेप्टेशन। बाकी आगे तो है आपका डेजर्ट, तो डेजर्ट अडेप्टेशन इज फॉर द लाइफ इन डेजर्ट्स। ओके, देन अगला देखते हैं नंबर 63 नंबर का एमसीक्यू स्टडी करना है आपको। ओके, द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज फाउंड बिटवीन। देखो आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर मेनिंजेस का कंसेप्ट स्टडी किया है। तीन लेयर होते हैं मेनिंजेस के आपके। सबसे अंदर का जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम, पाया मैटर।
मिडल लेयर इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। हमको यह भी पता है यू कैन फाइंड अ सब ड्यूरल स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में यह जो स्पेस है इसको हम बोलने वाले हैं सब ड्यूरल स्पेस, एंड एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में यह जो स्पेस है दिस कैन बी कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो आपको वही पूछा है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस किसके बीच में है, तो इट इज बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ओके, दिस इज गिवन इन द ऑप्शन सी। यस, सी अगेन। ओके, सो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का, इट विल बी एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ओके, देन अगला देखो क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स का गोल्डन एज जो है वो कौन सा ईरा है? ओके, सो डायनासोर्स आर फाउंड इन, यस, सीनोजोइक, मेजोजोइक, पैलियोजोइक और आर्कियोजोइक, ऐसे दिया हुआ है। मेजोजोइक ईरा इज अ गोल्डन ईरा और गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद थोड़ा थोड़ा अगर आप आगे बढ़ते हो, ओके, तो डेफिनेटली देयर इज ओरिजिन ऑफ व्हाट? डायनासोर्स। जुरासिक और ट्रायासिक पीरियड होता है, ओके, और वहां पे हमको डायनासोर्स डोमिनेंटली मिलते हैं, तो यहां पे आपका आंसर जो है वो रहेगा मेसोजोइक। ओके, देन चलो अगला देखते हैं, नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है नंबर 65 वो देखने वाले हम। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, डोंट वरी। Yes. चलो 65 नंबर का क्वेश्चन भी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ओके, डैश हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। सबसे पहले तो यह समझना है कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या होता है। ओके, सपोज ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है और ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल सेल कैन बी ट्रांसफर इन टू अनदर बैक्टीरियल सेल through one bridge like structure, and these bridge like structures can be called pili। ये जो bridge like structures है, इन structures को हम क्या बोलने वाले हैं? Pili, ऐसा बोलने वाले हैं। Okay, तो देखो simple, यहां पे आपको ये देखना है, just a minute, sheet मेरे सामने आ गया है, तो आपका हम देख रहे हैं question number 65, dash helps in the process of bacterial conjugation। तो मैं बोल रहा हूं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल, ओके, थ्रू सम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस व्हिच कैन बी कॉल्ड एज पिलाई, देन द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ओके, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज पिलाई। ओके, पिलाई क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है। वहां पर दिया हुआ है फ्लैजेला, तो फ्लैजेला जो है ये टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है विच इज यूज इन द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के कहां पे यूज होगा? ये लोकोमोशन में। फिमरी जो होते हैं वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है टू कैच द ओवम, एंड फाइनली माइसेलियम। माइसेलियम इज अ नेम गिवन टू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ फंगस। फंगस में जो एक सिंगल थ्रेड होता है उस सिंगल थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? हाइफा, एंड द ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम। हाइफी का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? माइसेलियम, ऐसा बोला जाता है। तो हर चीज का मीनिंग हमने समझ लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 66। ब्रीडिंग एंड कल्चरिंग ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। जब आप फिशेस को कल्चर कर रहे हो आर्टिफिशियली, उनका ब्रीडिंग कर रहे हो, जैसे हमको पता है द रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी बीज को जब आर्टिफिशियली हम रेयर करते हैं तो इस चीज को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। उसी तरह फिश को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ फिशेस, दिस इज कॉल्ड एज पीसी कल्चर। इसको पीसी कल्चर ऐसा बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, सेरिकल्चर इज रेयरिंग ऑफ, यू कैन से, सिल्क वर्म्स। ओके, वर्मी कल्चर जो होता है इट इज प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। ओके, अर्थवर्म्स, अर्थवर्म का जो रेयरिंग होता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, ओके, उसको बोला जाता है वर्मी कल्चर। ओके, चलो नेक्स्ट वन, 67 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। 11th साइंस से शायद ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस की तरफ देखने से लग रहा है। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज। तो सबसे पहला स्टेटमेंट वहां पे दिया हुआ है, एडिपोज टिश्यू इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू।
करेक्ट स्टेटमेंट है। आपकी एरियोलार टिश्यू ही मॉडिफाई होके कौन से टिश्यू बनती है? एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एरियोलार टिश्यू में भी फैट सेल्स होते हैं, साथ में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफाजेस है, मास सेल है, व्हाइट फाइबर्स है, येलो फाइबर्स है। तो इनको सबको हटा देंगे हम, अगर सिर्फ वहां पे मैट्रिक्स और फैट सेल्स बचते हैं तो वो कौन सी टिश्यू बन जाएगी? एडिपोज टिश्यू। सो वी कैन से दैट एडिपोज टिश्यू इज अ मॉडिफाइड एरियोलार टिश्यू। अगर मेरे 11th के नोटबुक्स अगर संभाल के रखे हैं तो वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, देन ब्राउन एडिपोज टिश्यू कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। ये गलत है। आपकी एडिपोज टिश्यू जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है व्हाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरी होती है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? व्हाइट एडिपोज टिश्यू कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स मतलब कौन से सेल्स? फैट सेल्स। ओके, और फैट सेल्स की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वो कैसे दिखती है? व्हाइट। एंड दिस इज कॉमनली फाउंड इन अडल्ट्स। ये कॉमनली कहां पे देखने को मिलती है? अडल्ट्स में। जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके बॉडी में आपको कौन सी टिश्यू मिलेगी? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, क्योंकि यहां पे देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, नॉट द फैट्स। फैट सेल की क्वांटिटी कम होती है। तो देखो बी स्टेटमेंट में उल्टा दिया है उन्होंने, ब्राउन एडिपोज टिश्यू कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। नहीं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। सो कौन सी टिश्यू कहां पे पाई जाती है ये पता होना चाहिए। ओके, आगे क्या दिया है? व्हाइट एडिपोज टिश्यू इज कॉमनली सीन इन अडल्ट्स। मैंने आपको बताया व्हाइट एडिपोज टिश्यू कॉमनली अडल्ट्स में देखने को मिलती है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज कॉमनली फाउंड इन द डेवलपिंग फीटस, बोल सकते हैं करेक्ट है। तो सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है आपका? स्टेटमेंट बी। ओके, तो चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एचजीपी इज करेक्ट। ओके, सो एचजीपी का फुल फॉर्म हमको पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो उसके बारे में क्या इनकरेक्ट है वापस वो ढूंढना है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? HGP is involved in mapping and sequencing of model organisms like E. coli and Muscalis. Correct है ये। इन model organisms का भी genome हमने क्या किया है? Sequence किया है। Correct है। Okay. तो दूसरा statement क्या है? HGP is involved in finding the genes related to the human diseases in Saccharomyces cerevisiae. ऐसा कुछ नहीं किया हमने। Saccharomyces cerevisiae मतलब क्या होता है? East. East का scientific नाम है। और वहां पे हमने किसी डिसीज को आइडेंटिफाई नहीं किया है एचजीपी के अंदर। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है यहां पे। ओके, देन एचजीपी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जीन्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन जेनेटिक डिसीज। ये तो राइट है, ये चल जाएगा। एचजीपी इज इन्वॉल्व इन ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बाय स्टडिंग द जीन्स इन द फ्लाइज, राउंड वर्म्स एंड माइस। ये भी राइट है। ओके, तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पे कौन सा है? बी वापस, सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो वापस एक बार क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट वन, 69 नंबर का क्वेश्चन देखना है, द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिलेटेड विथ। देखो आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, जहां पे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन पढ़े थे और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 6 हार्मोन थे। उसमें पहला था आपका ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड वन वॉज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, देन आता है GTH, ओके, बाद में आता है LTH और फिर आता है MSH। हर हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस में से कुछ फैक्टर्स आते हैं। जैसे GH को कंट्रोल करने के लिए होता है GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और इसको स्टॉप करने के लिए होता है GHIF, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। आगे TSH, ACTH एंड GTH, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे यहां पर होता है TRF, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, यहां पे होता है CRF, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, यहां पे होता है GRF, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। लेकिन अगर इनके सिक्रीशन को आपको क्या करना है? स्टॉप करना है, तो मैंने आपको बताया था देर इज अ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म काम करता है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। मतलब आपके ब्लड में हार्मोन की लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद इमीडिएटली आपके ग्लैंड को सिग्नल चला जाएगा टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ दैट हार्मोन। हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। वहां पे निगेटिव वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है,
लेकिन ये जो फीडबैक कंट्रोल है तो ये निगेटिव फीडबैक कंट्रोल है और ये किससे रिलेटेड है ऐसा आपको यहां पे पूछा गया है। ओके तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी, दैट इज हार्मोनल सिक्रीशन। हार्मोनल सिक्रीशन ये उसका आंसर है। आई थिंक सानिका कुछ पूछ रही है। सानिका क्या पूछना चाहते हो? सैक्रोमाइसिस आर यूज्ड, कहां पे यूज होते हैं सानिका सैक्रोमाइसिस? यस, किसी ने पूछा है कि सर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ ग्रुप के ऊपर सेंड कर दो। थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक पेपर ही सेंड करता हूं सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ओके तो पेपर ही मिल जाएगा पूरा। सानिका क्या डाउट है एग्जैक्टली पूछ लो प्रॉपरली, सैक्रोमाइसिस कहां पे यूज होता है। यस, इसका तो आंसर हार्मोनल सिक्रीशन है, करेक्ट है। चलो तब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। सानिका अगर कोई डाउट है तो टाइप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 70 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजोम्स आर द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ। देखो अभी इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, इसको हमने 11th में पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है जो स्मूथ एंड अनफोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है फोल्डेड लाइक दिस। ओके द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, ये जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स है उस फोल्ड्स को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टी ऐसा बोलते हैं। ओके और यहां पे क्रिस्टी के ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स में अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स और दे कैन बी also कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। उनको आप F1 पार्टिकल बोल सकते हो, ऑक्सीजोम्स बोल सकते हो या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। ओके तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या आएगा 70 नंबर के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 70। ओके चलो 71 नंबर का देख लेते हैं, ट्राइकस्पीड बल्ब इज प्रेजेंट इन। देखो बहुत सिंपल है, इंटरनली आपके हार्ट के दो चेंबर्स हैं, ऊपर के चेंबर्स है ऑरिकल्स और नीचे के क्या है वेंट्रिकल्स। ओके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कस्पीड बल्ब्स। कस्पीड बल्ब्स किसको सेपरेट करते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को, या किसके बीच में होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, उनको एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब ऐसा भी बोला जाता है। ओके तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, मान लो कि दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड जो होती है इट कंसिस्ट और इट कंटेन्स बाइकस्पीड बल्ब, या फिर उसको मिट्रल बल्ब ऐसा भी बोलते हैं हम। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है आपका, बाइकस्पीड बल्ब है, एंड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बल्ब है, ट्राइकस्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका राइट ऑरिकल, ऐसा आंसर दे सकते हैं हम राइट ऑरिकल में। ओके राइट ऑरिकल के अंदर आपको मिल जाएगा कौन सा बल्ब, ट्राइकस्पीड बल्ब। चलो सानिका का क्वेश्चन आ गया है, सैक्रोमाइसिस के भी मैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एचजीपी में, एचजीपी में होते हैं सानिका पता है, लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया है वहां पे पढ़ो, मैं वापस एक बार पढ़ता हूं 69 नंबर का जो स्टेटमेंट है बी ऑप्शन का। ओके सॉरी 68 का, एचजीपी इज इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द जीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन डिसीजेस इन ईस्ट। तो ईस्ट के वजह से तो कोई ह्यूमन डिसीज नहीं होता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई जीन्स हमने नहीं ढूंढे है वहां पे, अलग से कोई बोल रहा है, जैसे उन्होंने ऊपर के स्टेटमेंट में दिया है कि हमने मैपिंग किया है किसका, ई कोलाई का। अगर वो बोलते कि हमने सैक्रोमाइसिस का मैपिंग किया है तो ये करेक्ट आता, लेकिन ह्यूमन डिसीज को वहां पे मैप करके ढूंढा है ये गलत है। ओके तो ये उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सानिका। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 71 नंबर, उसका करेक्ट आंसर जो है वो है राइट ऑरिकल। चलो 72 नंबर का देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। देखो ये इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ओके इस तरह के क्वेश्चन आपके सीईटी में भी आएंगे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो ढूंढना है। अभी रेस्पिरेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है एनिलिड्स यूज देयर आउटर सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनिलिडा के अंदर आता है अर्थवर्म, अर्थवर्म सबने देखा हुआ है, उसकी जो स्किन होती है आउटर सरफेस होता है ये हमेशा मॉइस्ट होता है, एंड दैट मॉइस्चर इज देयर टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर, वो एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, उनका आउटर सरफेस यूज कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ओके एम्फीबियंस कैन रेस्पायर थ्रू स्किन, अभी देखो एम्फीबियंस में आपका फ्रॉग आता है, फ्रॉग जब हाइबरनेट होते हैं विंटर सीजन में इनएक्टिव हो जाते हैं
तो देयर रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू स्किन, उनका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू ही होता है, तो ये भी करेक्ट है. देन ह्यूमंस एक्सचेंज 1% ऑफ CO2 थ्रू स्किन, ओके ये भी हम बोल सकते हैं. ओके स्किन के थ्रू हम 1% CO2 एक्सचेंज कर सकते हैं, जो स्वेटिंग होता है आपका उसके थ्रू CO2 बाहर डाला जा सकता है. ओके जेलीफिश रेस्पायर्स थ्रू गिल्स, ये गलत है, जेलीफिश के अंदर गिल्स नहीं होते हैं. ओके तो यहां पे आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन डी. ऑप्शन डी जो है दैट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन. ओके तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 72. अगला देख लेते हैं 73 नंबर का. ओके 73 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है. ओके सबको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह का डायग्राम सबको पता है. ये दिस इज वजाइना, देन यहां पे है यूटेरस, ये जो है ये है फैलोपियन ट्यूब्स, यहां पे मिल जाएंगे आपको ओवरीज. ओके तो यहां से जब ओवम रिलीज होगा तो उसको कैच करने का काम कौन करेंगे, फिम्ब्री, और उसको कहां पे लेके आएंगे, फैलोपियन ट्यूब्स में. ओके वजाइना के अंदर क्या रिलीज होने वाला है, सीमेन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. स्पर्म्स यहां से ट्रेवल करते हुए कहां तक पहुंचेंगे, वापस फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब का जो मिडिल पार्ट है, द वाइडेस्ट द लॉन्गेस्ट एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एम्पुला. उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पुला ऐसे बोलते हैं, और उसी एम्पुला के अंदर स्पर्म और एक एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एम्पुला ऑफ ओविडक्ट. ओविडक्ट का जो एम्पुला है ओके उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होने वाला है. ओके नेक्स्ट वन 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर इज. चलो अभी ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम वंस अगेन 11 साइंस, द चैप्टर इज ह्यूमन न्यूट्रिशन. ह्यूमन न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है ओके एंड स्टमक के बारे में हमको पता है. ये मैं डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस. तो ये जो है दिस इज ईसोफेगस, देन यहां पे स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है ओके वो है आपका स्टमक. ओके एंड देन ये जो अगला आपको सी शेप का पोर्शन यहां पे दिख रहा है, दिस इज डियोडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये जो ईसोफेगस की ओपनिंग है स्टमक के अंदर, यहां पे ऊपर के पोर्शन को हम बोलते हैं कार्डियक. ओके ये जो अपर ब्रॉड पोर्शन है इसको बोलते हैं फंडस, मिडिल पोर्शन को क्या बोल सकते हो, बॉडी, और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं पाइलोरस. तो कार्डियक रीजन पे और पाइलोरिक रीजन पे क्या होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं. ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक इज गार्डेड बाय विच टाइप ऑफ स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर. एंड ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डियोडेनम, स्टमक का ओपनिंग डियोडेनम में गार्ड करता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके तो जैसे ही फूड यहां पे आ जाएगा दोनों स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं. अगर फूड को स्टमक से डियोडेनम में भेजना है तो कौन सा स्फिंक्टर रोल प्ले करेगा, पाइलोरिक. पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू डियोडेनम इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, पाइलोरिक स्फिंक्टर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, ये जब फूड यहां पे रिवॉल्व होगा डाइजेस्ट होगा तो ये वापस ईसोफेगस में नहीं जाएगा, रिवर्स फ्लो नहीं होगा. तो रिवर्स फ्लो को बायोलॉजी में बोलते हैं रीगर्गिटेशन. रिवर्स फ्लो को बायोलॉजी में क्या बोलना है, रीगर्गिटेशन ऐसा बोलना है. तो आपके मेन फंक्शन जो होते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का वो क्या होगा, इट विल प्रिवेंट रीगर्गिटेशन ऑफ द फूड, फूड के रीगर्गिटेशन को ये अवॉइड करेगा. ओके तो यहां पे आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, प्रिवेंट्स रीगर्गिटेशन, 74 नंबर का. चलो 75 नंबर का देख लेते हैं, टीएस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शोज यस शेप ग्रे मैटर. आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पूरे बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर हम देखते हैं कि टीएस में यच शेप का ग्रे मैटर अगर मिल रहा है तो दिस इज द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये किसके टीएस में देखने को मिलता है हमको, स्पाइनल कॉर्ड के टीएस में देखने को मिलता है. तो ये जो आपका 75 नंबर का एमसीक्यू है इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है. ओके 76 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन वॉज बेस्ड ऑन. डार्विन की जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज
ओके वो किसके ऊपर बेस्ड है, वेरिएशंस, दूसरा दिया है प्रोडिगैलिटी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तीसरा है लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, और फिर दिया है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो बहुत सिंपल है, हमने डार्विन के थ्योरी को स्टडी किया है एंड इट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, प्रोडिगैलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब होता है ओवर रिप्रोडक्शन। आपने कहा था एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ टेंडेंसी टू ओवर रिप्रोड्यूस, ऑयस्टर का एग्जांपल लिया था हमने। ओके एक ऑयस्टर के सिंगल स्पॉन में अप्रोक्सीमेटली 14 मिलियन एग्स आर देयर। अगर सारे के सारे एग्स हैच आउट होते हैं, नए ऑयस्टर्स में कन्वर्ट होते हैं, और सारे के सारे ऑयस्टर अगले 5 जनरेशन के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आपने बताया था कि इतने ऑयस्टर्स बनेंगे जितने आपके फिजिकल यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो ये है ओवर रिप्रोडक्शन। ओके ओवर रिप्रोडक्शन होने के बावजूद हर स्पेसीज का जो पॉपुलेशन है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ऐसा कभी होता नहीं है कि सब जगह पे ऑयस्टर ही ऑयस्टर हो गए। इसके पीछे का रीजन क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था। फिर तीसरा प्रिंसिपल आता है आपके वेरिएशंस, फोर्थ प्रिंसिपल आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और पांचवा आता है आपका ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी प्रोडिगैलिटी, ओके स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसके ऊपर बेस्ड है आपका डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। और यहां पे डार्विन ने क्लियरली कहा था कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका होता है, नेचर का। क्योंकि आपने बताया था कि भाई जो वेरिएशंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, यूजफुल, हार्मफुल एंड न्यूट्रल। तो कौन सा वेरिएशन यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द नेचर। वो ऑर्गेनिज्म डिसाइड नहीं कर सकता, वो कौन डिसाइड करेगा, नेचर डिसाइड करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके चलो अगला देखते हैं, नंबर 77, सिल्क वर्म इज, सिल्क वर्म क्या है, क्या वो एक फ्लाई है, क्या वो एक वर्म है, क्या वो मॉथ है, या फिर वो बीटल है। इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके वेट करता हूं 2 मिनट के लिए, जितने लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 77 को आंसर करो। क्या लगता है, नितिन को बी लग रहा है, फ्लाई वर्म मॉथ बीटल, यस ओंकार को मॉथ लग रहा है, ओके तेजस्विनी को बी लग रहा है, यस आंसर करो भाई, जितने लोग हैं उन्होंने तो कर दो, बहुत लोगों को बी लग रहा है, सिल्क वर्म है तो लोग वर्म आंसर करते जा रहे हैं। ओके और मैं बोल रहा हूं यहीं पे ट्रिक है, यहीं पे ट्रिक है, यस ये एक्चुअली एक मॉथ है, सिल्क वर्म जो है वो क्या है, एक मॉथ। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, मॉथ आएगा, ऑप्शन सी। ये ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक सीईटी में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। ओके तो ये प्रॉपरली ध्यान में रखो, सिल्क वर्म एक्चुअली इज अ मॉथ। ओके देन चलो अगला देखते हैं, 78, इन केस ऑफ बर्ड्स द फीमेल्स आर, अभी एक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, इट इज ऑफ ZWZZ टाइप। सेक्स डिटरमिनेशन का जो मैकेनिज्म है बर्ड्स के अंदर कौन से टाइप का है, ZWZZ। और मैंने आपको यह बताया था कि जब हम ये पैटर्न लिखते हैं कि क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन का पैटर्न कैसा है, तो उसमें सबसे पहले आप किसके क्रोमोसोम मेंशन करते हो, फीमेल के, और बाद में किसके मेंशन करते हो, मेल के। तो आपके सामने है फीमेल में एक जेड है और दूसरा डब्ल्यू है, तो यहां पे 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। 50% गैमेट्स में क्या होगा, जेड क्रोमोसोम, और 50% गैमेट्स में कौन सा होगा, डब्ल्यू क्रोमोसोम। 2 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, इसलिए फीमेल जो है वो कैसी रहेगी, हेटरोगैमेटिक। मेल में सारे गैमेट सिमिलर होंगे, तो मेल जो है वो कैसा रहेगा, होमोगैमेटिक। सेम गैमेट्स बन रहे तो होमोगैमेटिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बन रहे तो हेटरोगैमेटिक। इतना सिंपल लॉजिक है। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 78, इसका आंसर आ जाएगा हेटरोगैमेटिक। ओके चलो 79 देखते हैं, इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या है इम्प्लांटेशन, क्या है, ओके फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मोमेंट ऑफ एग, डीजनरेशन ऑफ एग, और अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला ऑन द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस।
यूटरस का जो इनर वॉल है उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के ऊपर जब ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला खुद को अटैच कर लेता है, ओके, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन विच ऑकर्स अप्रोक्सिमेटली ऑन 6th or 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद हो रहा है? 6th or 7th डे पे होता है, ओके। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। 80 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। माइस आर द एप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल का कंसेप्ट हमने देखा था, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो कौन से हैं? मोर देन 80% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। तो ये माइस ये सबसे एप्रोप्रिएट चॉइस क्यों है? उसके पीछे कुछ रीजन है, वो मैंने आपको बताए थे। पहला रीजन है दे हैव अ शॉर्ट जनरेशन टाइम। दूसरा रीजन है दे आर सुपर ओव्यूलेटेड माउस कैन एल्ड अप टू 40 एग्स। अगर माउस को हम FSH जैसा कुछ एडमिनिस्टर करते हैं तो एक माउस एक टाइम पे कितने एग ले कर सकता है? 40। ओके, देन री इम्प्लांटेशन इज रिलेटिवली इजी। जो एग्स हैं उनको अगर हम दूसरे माइस में इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं वो करना भी बहुत ईजी है। तो इसमें सब कुछ राइट है, सारे रीजन्स है जिसके लिए माइस बिकम्स एन वेरी अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है यहां पे। 81 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। इन आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, डोंट वरी। यस, चलो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुका है। 81 नंबर क्या है? इन एस्कारियासिस फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द राउंडवर्म्स। देखो, मैंने 2-3 लेक्चर के पहले भी आपको बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को कैसे प्रिपेयर करना है, चार्ट बनाना है सारे डिसीजेस का, सबके कॉजल ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में सबका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, शॉर्ट में सबके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग्स यूज हो रहे हैं, प्रिवेंशन कैसे किया जा रहा है। ओके, शॉर्टकट में लिखना है, टैबुलर फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, तो अच्छी तरह से याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कुछ नहीं बता पाओगे, सब गलत हो जाएगा। एस्कारियासिस में कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं? तो मेबेंडाजोल एज वेल एज अल्बेंडाजोल, दोनों हैं। ओके, ये जो है डाइइथिल कार्बामेसिन, दिस इज यूज्ड इन फिलेरियासिस। कहां पे यूज होता है वो? फिलेरियासिस में, सी ऑप्शन जो है। तो आपके एस्कारियासिस में दोनों यूज हो रहे हैं, अल्बेंडाजोल एज वेल एज मेबेंडाजोल। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, दोनों करेक्ट हैं, दोनों यूज कर सकते हैं हम। 82 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। द सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। सबसे सिंपल है, देखो डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। आपके हार्ट में टोटल कितने चेंबर है? 4 चेंबर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल वाया बॉडी टिश्यूज। क्या बोल रहा हूं? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू वॉट? राइट ऑरिकल वाया बॉडी टिश्यूज। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल अप टू लेफ्ट ऑरिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां पे ट्रांसफर हो रहा है वो? लेफ्ट ऑरिकल तक वाया लंग्स। ओके, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। एज द ब्लड फ्लोज थ्रू योर हार्ट ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, तो यहां पे आपको पूछा है सर्कुलेशन इन विच द ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हार्ट टू लंग, हार्ट और लंग्स के बीच में जो है वो क्या है? पल्मोनरी। और हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच में जो होता है वो क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ओके, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 83 नंबर का देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज प्रेजेंट इन। ये तो बहुत सिंपल है, बोमेंस कैप्सूल हमको पता है, ये हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, द चैप्टर इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस। ओके, तो आपको पता है एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा है, इफरेंट का डायमीटर जो है वो छोटा है, और इसकी वजह से ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 55 mm ऑफ Hg। ओके, तो उन्होंने वही पूछा है कि भाई ये जो GHP है, GHP का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कहां पे प्रेजेंट होता है? किडनी के ट्यूबुल में होगा, बोमेंस कैप्सूल में होगा, कि ग्लोमेरुलस में होगा? नाम में ही है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, सो इट इज इन द ग्लोमेरुलस। कहां पे होगा ये? ग्लोमेरुलस में होगा, ग्लोमेरुलस ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूबुल। यूरिनिफेरस ट्यूबुल मतलब ही आपका नेफ्रॉन है। ओके, तो ये है ऑप्शन सी। चलो 84 देख लेते हैं।
ओविलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओविलेशन कब होता है हमको पता है, ओविलेशन ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पहले चार दिन है इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर उसको आप क्या बोलते हो, ब्लीडिंग फेज. डे नंबर 5 to 13 प्रोलीफरेटिव फेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज. ओके, 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन. और फिर 15 डे से लेकर 28 डे तक आपकी आती है सिक्रेटरी फेज, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ ल्यूटियल फेज. आपको पूछा है ओव्यूलेशन कब होगा, 14th डे पे होगा, लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ प्रोलीफरेटिव फेज. जब प्रोलीफरेटिव फेज क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा. उसी तरह के ऑप्शंस वहां पे आपको दिए हुए हैं. ओके, सो एट द एंड ऑफ प्रोलीफरेटिव फेज दिस इज द राइट आंसर. एट द एंड ऑफ प्रोलीफरेटिव फेज इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 84. ओके, चलो 85 देखते हैं. माल्टेज प्रेजेंट इन सक्सेस एंटेरिकस कन्वर्ट्स माल्टोज टू. बहुत सिंपल है अभी. ओके, माल्टेज जो कहां पे प्रेजेंट है, सक्सेस एंटेरिकस. वापस ह्यूमन न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है. सक्सेस एंटेरिकस का मतलब होता है इंटेस्टिनल जूस. सक्सेस एंटेरिकस क्या है वो समझ लो पहले. ये लिखवा के दिया है मैंने, लिखा हुआ है आपके नोटबुक में. नोटबुक को प्रॉपरली पढ़ना है. वापस एक बार रिमाइंड कर देता हूं, नोटबुक के बाहर नहीं जाना है, सब कुछ नोटबुक में मिलेगा. नोटबुक प्रिपेयर करो. ओके, बायो का पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा. ईच एंड एवरी पॉइंट इज देयर, हर पॉइंट वहां पे दिया हुआ है, प्रॉपरली पढ़ना है सिर्फ. ओके, तो सक्सेस एंटेरिकस है इंटेस्टिनल जूस. माल्टेज होता है उसके अंदर जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. ओके, तो माल्टोज इज बीन कन्वर्टेड इन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. दो ग्लूकोज के यूनिट्स वहां पे मिल जाएंगे आपको. ओके, तो इसका 85 का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज. 86 नंबर का देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एस्बेस्टोसिस. ह्यूमन रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है 11 से. एस्बेस्टोसिस इज वन काइंड ऑफ लंग डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस के अंदर इसको पढ़ा था हमने, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. तो क्या इनकरेक्ट है वो पूछा है. इट कैन डेवलप आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस फाइबर्स. करेक्ट है, हो सकता है. ओके, ब्लू एस्बेस्टोसिस इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ एस्बेस्टोसिस. ये भी राइट है. एस्बेस्टोसिस का सबसे सीवियर फॉर्म जो है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू एस्बेस्टोसिस ऐसा बोलते हैं. हाई रिस्क इंडस्ट्रीज इंक्लूड स्टोन मैशनरी एंड पॉटरी वर्क. नहीं, ये गलत है. जो लोग स्टोन मैशनरी में काम कर रहे हैं, मतलब जो खदान होती है जहां पे स्टोन्स को क्रश किया जाता है, या फिर पॉटरी मतलब जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, पॉटरी वर्क जिसको बोला जाता है, तो ये लोग जो है उनको ज्यादा रिस्क किसकी होती है, सिलिकोसिस की होती है, एस्बेस्टोसिस की नहीं. एस्बेस्टोसिस किसको होगा, जो एस्बेस्टोस रिलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. ओके, और ऐसी कुछ इंडस्ट्री जहां पे एस्बेस्टोस का इस्तेमाल हो रहा है, एस्बेस्टोस से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो उनको एस्बेस्टोसिस की ज्यादा रिस्क है. तो सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है. ओके, डी में क्या दिया, इनहेलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल डज नॉट यूजुअली रिजल्ट इन एस्बेस्टोसिस. ये भी राइट है, क्योंकि अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो म्यूकस में वो ट्रैप हो जाएगा, आपके लंग्स तक नहीं जाएगा. अगर उसको अल्वियोलाई तक जाना है, इट शुड बी मस्ट बी सो स्मॉल दैट इट शुड एस्केप दैट म्यूकस. म्यूकस को क्या कर जाएगा वो, एस्केप. अगर वहां से एस्केप होता है तो ही वो लंग्स तक जा सकता है, और तो ही एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस डेवलप हो सकता है. लार्ज पार्टिकल से नहीं होता है, बहुत फाइन पार्टिकल से होता है. ओके, चलो 87 नंबर का देख लेते हैं. मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम द एप्स इन हैविंग. मॉडर्न मैन और एप में क्या डिफरेंस है. पहला ऑप्शन क्या दिया है, सेमी इरेक्ट पोस्चर. मॉडर्न मैन का पोस्चर तो सेमी इरेक्ट नहीं है. आर्म्स लॉन्गर देन लेग्स, ये भी नहीं है. आपके लेग्स लॉन्गर है, आर्म्स शॉर्टर है. स्मॉलर साइज ऑफ ब्रेन, ये भी नहीं है. आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स, ये राइट है. बहुत सिंपल है, आर्म्स आर शॉर्टर देन लेग्स. ओके, एप्स के जो एप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उनके आर्म्स लॉन्गर थे लेग्स के कंपैरिजन में. ओके, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी. डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा उसके लिए. 88 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द टर्नर सिंड्रोम. अभी देखो ये बहुत सिंपल है. डाउन सिंड्रोम में कितना होता है, 47, और आपके टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितना होता है, 45. ओके, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 88 का, 45 क्रोमोसोम्स. सिंपल. 89 नंबर का एमसीक्यू है, एडिनोमा इज अ कैंसर ऑफ. पांच टाइप के कैंसर आपको पढ़ाए हैं, बहुत सिंपल है. अगर कैंसर इपिथेलियल टिश्यू में ओरिजिनेट होता है तो कार्सिनोमा. 85% ऑफ कैंसर्स आर कार्सिनोमा. अगर वो कनेक्टिव टिश्यू में ओरिजिनेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमा. ओके, देन अगर वो आपके लिम्फैटिक टिश्यूज में ओरिजिनेट होता है, इम्यून सिस्टम में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिम्फोमा. ब्लड कैंसर होता है तो क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया.
और अगर ग्लैंड्स को कैंसर होता है तो एडिनोमा, वही पूछा है। एडिनोमा इज अ कैंसर ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के कैंसर को क्या बोला जाता है? एडिनोमा ऐसा बोला जाता है। चलो अगला देखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द अडल्ट ह्यूमन। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ओके एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ सकती, इतने सिंपल है। अभी नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमको पता है कितना होता है, 120/80 mmHg। उसमें 120 mmHg जो है वो कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर है। एंड 80 mmHg जो है वो क्या है आपका? नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर। ओके तो यहां पे 90 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 120 mmHg। सिस्टोलिक आपको पूछा है अडल्ट ह्यूमन में, तो कितना आएगा वो 120 mmHg आ जाएगा। 91 नंबर का देखते हैं, डायग्राम दिया है आपको 1, 2, 3, 4 आइडेंटिफाई करना है। 91 नंबर का एमसीक्यू देख रहे हैं हम, एक डायग्राम आपके सामने है और आपको 1, 2, 3 और 4 क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या है, बहुत सिंपल है। 1 क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल। दूसरा क्या है आपका? ग्लोमेरुलस। 3 नंबर का जो है वो क्या है? पोडोसाइट्स है। और 4 नंबर का जो है, दिस इज द पैराइटल लेयर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का आउटर या फिर पैराइटल लेयर है। तो ऐसा कहां पे मैच हो रहा है आप देख लो। ओके दिस इज इन द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ऐसा दिख रहा है, 1 एफरेंट आर्टेरियोल, 2 इज ग्लोमेरुलस, 3 इज पोडोसाइट एंड द 4 इज पैराइटल लेयर। ओके तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन डी। चलो 92 देख लेते हैं, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ। एक्रोसोम किससे बनता है ये पता है आपको? स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये हेड है, फिर है मिडल पीस, फिर सॉरी नेक, देन मिडल पीस एंड फाइनली आती है आपकी टेल। ओके और यहां पे एक लार्ज न्यूक्लियस और उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम कंटेनिंग एन एंजाइम कॉल्ड हाइलुरोनिडेज एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड। इससे बनता है ये, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है याद रखो। तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड इज द राइट आंसर फॉर द एमसीक्यू नंबर 92। 93 को देखते हैं, identify the incorrect statement with respect to the effects of deforestation. इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, deforestation के effects दिए हैं, उसके लिए क्या incorrect है वो ढूंढना है। क्वेश्चन को properly पढ़ते चलो। Okay, it destroy the natural habitat of wild animals. ये तो right है, deforestation से natural habitat destroy हो जाएगा, आपको गलत क्या है वो ढूंढना है। It alter the local weather patterns. ये भी right है, it speed up the nutrient cycling. Nutrient cycling को speed up नहीं करेगा ये, nutrient cycling उसे disturb हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ओके तो ये स्टेटमेंट जो है सी वाला वो गलत है। ओके 94 देख लेते हैं, इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म बाय। रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है?